अधिकांश आप सभी ने देखा होगा घरों में एक नई प्रथा का चलन हो चुका है। जैसे आपने देखा है कि अधिकतर हर घर में कपड़े वाले धोने के लिए अलग लगी हुई है, बर्तन मांजने वाले अलग लगी हुई हैं। हमारी घर की महिलाएं बिल्कुल काम नहीं करना चाहती हैं, हर काम के लिए एक उन्होंने नौकर रख रखा है, चाहे उनका चाहे फाइनेंशियल बजट बिगड़ रहा हो उससे, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कपड़ा धोना, बर्तन मांजना या झाड़ू पोछा वाले, इन सब के लिए नौकर रख रखे हैं। यहीं से ही तो हमारे देश में पतन की शुरुआत हो रही है। जो हमारे परिवार हैं, हमारे घर के लोग हैं, जो घर में ही काम नहीं करना चाहते हैं, जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो परिवार में ही काम नहीं करना चाहते हैं, दूसरों से ही काम करवा रहे हैं, पैसा दे के काम करवा रहे हैं, खुद के पास समय होने के बाद भी बाहर से ही काम करवा रहे हैं, यहीं से सब गड़बड़ झगड़ा शुरू हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने सभी को बताया है और जिन्होंने भी मेरी इस बात को माना वो आज बहुत फलीभूत है। घरों की महिलाएं क्या करती हैं, खाने के बाद जो बर्तन होते हैं उनको रखा छोड़ देती हैं रात में, क्योंकि सुबह उनकी काम वाली बाई आएगी और वो ही उन बर्तनों को मांजेगी। हम क्यों कष्ट उठाएं, हम क्यों मांजें? बर्तन को जूठा पड़ा छोड़ दिया जाता है वॉश बेसन में, सिंक में, जहाँ भी बर्तन मांज रहे होते हैं वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है। खाने के बाद अब बर्तन को छोड़ देते हैं रात भर, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो बर्तन का श्राप लगता है, वो बर्तन एक तरह से मालिक को कोसते हैं कि आपने तो अपना काम कर लिया और हमें ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया। यहीं से घर में नकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है और जो संपन्न समृद्ध घर होते हैं वो भी रोड पे आने की कगार पे आ जाते हैं। फिर बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि एक समय में बहुत संपन्न था थी, आज क्या हुआ, क्यों लक्ष्मी माता रूठ गई और घर से सब कुछ धीरे धीरे जाने लगा है। उसके यही रीज़न होते हैं, यही कारण होते हैं जो आप लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव करके खड़ा कर देते हैं। इसको सबसे पहले आप सुधारो। हमारे ब्रज में आपने देखा होगा, चाहे आप खाना 7 बजे खाएं, 8 बजे खाएं, 11 बजे खाएं, घर की महिलाएं कभी उन बर्तनों को नीचे डला हुआ नहीं छोड़ेंगी, उनको वॉश बेसन में, सिंक में नहीं छोड़ेंगी, उनको मांज के ही उनको सोना है, चाहे वो रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठना है उनको, सुबह से सफाई करनी है, खुद अपने हाथों से साफ करते हैं जो घरों को, सुबह झाड़ू पोछा करते हैं, घर के सामने पानी छिड़कते हैं, दरवाजे पर थोड़ा सा जल का सिंचन करते हैं, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। घर हमेशा संपन्न समृद्धशाली होता है। हमेशा घर में संपन्नता समृद्धशाली को आप पैसों से ही मत तोल के रखें, उसमें रहने वालों की खुशी, उसमें रहने वालों का आरोग्य, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें इसी चीज़ पर निर्भर करता है। यही चीज़ें कहलाती हैं घर में सुख संपन्नता कहलाती हैं। तो इस पर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।